मौलाना तारिक जमील के बेटे की हादसाती मौत और सोशल मीडिया का किरदार। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात सोशल मीडिया पर मुबल्लिग़ इस्लाम मौलाना तारिक जमील के छोटे साहबजादे आसिम जमील की हादसाती मौत की खबर एकदम वायरल होना शुरू हुई। सोशल मीडिया पर खबर आने के बाद बहुत से तबकात की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की चेमगोइयां शुरू हो गई। किसी ने खानदानी दुश्मनी जबकि किसी ने इसे दहशतगर्दी का वाकया बताया, किसी ने जहनी माजूरी और किसी ने इसे खुदकशी कहा। ये ऐसा वक्त था जब मौलाना तारिक जमील और उनकी फैमिली इंतहाई कर्बो अलम से गुजर रही थी। बूढ़े बाप के कंधे पर जवां साल खूब रूह बेटे की मैयत थी। वो अंदर से टूट चुका था, बेहाल था और उसका घराना सदमे में था। जरूरी था कि इस मौके पर उन्हें दलासा दिया जाता, इनसे इनके घराने से ताजियत की जाती, उनकी सब्र की दुआ की जाती। मगर लोगों ने रेटिंग, व्यूअरशिप और लाइक्स की भूख में तबसरों का ऐसा बाजार गर्म किया कि अल्लाह की पनाह। ये एक बड़ा ही जुल्म है कि जब भी कोई वाकया होता है उसकी वो एंगलिंग की जाती है, उसको ऐसे ऐसे रुख से बयान किया जाता है कि तोबा तोबा कर लीजिए। और कल से यही तूफ़ान बदतमीज़ी आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा। आप इस तूफ़ान बदतमीज़ी की शिद्दत का अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसी ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही थीं और ऐसी पोस्टें सोशल मीडिया पे लगी हुई थीं कि मौलाना साहब के बड़े साहबजादे यूसुफ भाई को सोशल मीडिया पे आके इस गम के दिन पे, जहाँ पर ज़रा सोचिए कि सका भाई वो अल्लाह के पास चला जाए और उसकी मौत वाकया हो जाए, और उस हालत में जब आंखों में नमी है और दिल बुझा हुआ है, उस हालत में उनके बड़े साहबजादे को सोशल मीडिया पे आके अपना बयान देना पड़ा कि जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मर्डर हुआ है और कोई लड़ाई थी और किसी ने गोली मार दिया, ये बिल्कुल सच नहीं है, जो हकीकत है उन्होंने खुद बयान कर दी। अब मैं आपको ये बताऊँ कि जब मेरी मुलाकात आसिम भाई से हुई तो आसिम भाई बिज़नेस कर रहे थे। ये उन्होंने जो हमारे होते हैं ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड टूल्स होते हैं, मशीन्स टूल्स होते हैं सारे, उनका वहाँ पर बिज़नेस और उनका एक सेटअप पूरा बना लिया हुआ था। और मैं स्पेशली फिर उस जगह पर भी मुझे लेकर गए जहाँ पर ये सारा वो अपना बिज़नेस चला रहे थे, अपनी टीम से भी मिलवाया। और बड़ा ही वो था तो लंबा में दफ्तर, लेकिन वो बिल्कुल मॉडर्न लाहौर की तरह का ज़बरदस्त एक दफ्तर था, राइट, जहाँ पर वो बैठे हुए थे। अच्छा, वहाँ उन्होंने इजहार किया, ये मैं आज ये मतलब इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं इस बात को वाजिया करना चाहूँगा, ये इससे पहले मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं की। वहाँ उन्होंने इस बात का इजहार किया कि शाह साहब मैं डिप्रेशन को फेस कर रहा हूँ और एक अरसे से फेस कर रहा हूँ, और उन्होंने बताया कि मुझे मेडिसिन साथ कैरी करनी पड़ती हैं, और एक पाउच था जिसमें उनकी वो मेडिसिन थी, मुझे याद भी ये याद है। मैं दोबारा वाजिया कर दूँ कि ये बात मैं बड़ी मोहब्बत एहतराम से आज ये इसका तज़किरा कर रहा हूँ। इस पूरे वाक़े की तफसीलात जब हमने जमा करना शुरू की तो पुलिस की जानिब से जारी की गई इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे गोली लगने से जाबहक हो गए हैं। पुलिस का कहना था कि आसिम जमील को जख्मी हालत में तुलंबा हस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जाबर ना हो सके। लेकिन किसी को इस खबर की सदाकत का यकीन नहीं आ रहा था। चुनाचा मौलाना तारिक जमील ने ट्वीट करके अपने बेटे के इंतकाल की खबर की तस्दीक कर दी। इब्तदाई रिपोर्ट के बाद भी मुख्तलिफ किस्म की आरा और खबरें सामने आ रही थी और लोग अपनी राय पेश कर रहे थे। बाद अज़ां रात गए मौलाना के बड़े साहबजादे मौलाना यूसुफ जमील इंतहाई दुख की हालत में एक मुख्तसर वीडियो पैगाम जारी करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि मेरा ये भाई बचपन से डिप्रेशन के एक मर्ज का शिकार था और गुज़िश्ता 6 माह से ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, यहाँ तक कि इसे इलेक्ट्रिक शॉट्स लगाए जाते थे ताकि डिप्रेशन से सुकून महसूस कर सके। गुज़िश्ता रात पूरी फैमिली इत्तेफाक से कहीं गई हुई थी और ये घर में अकेला था, और वो डिप्रेशन की हालत में बाहर चौकीदार से गन लेकर खुद पर गोली चला गया। नाज़रीन, इस हवाले से मौलाना तारिक जमील के छोटे भाई डॉक्टर ताहिर कमाल ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब रात को फिर पता सब सारा पता चला कि भाई वो मेरा भांजा भी साथ था, उसने कहा जी हम सारे यहाँ इकट्ठे बैठे थे, ये एक्सरसाइज करने गया तो शाबिराम ने कहा कि इसको अकेला न भेजें, मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ।
तो दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसके हाथ में पिस्टल चेक करने लग गया ना, तो मना भी किया मेरे बेटे ने कि ना कर, क्या कर रहा, कहता खाली है मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ। वो उसमें एक गोली थी, नौकर ने भी कहा जी खाली था, मैंने तो खाली रखा था, वो एक गोली थी बस, वो ऐसे टिक टिक करके यूं करके चेक करता गया, 1 2 3 4 5 पता नहीं 8 वाला था 6 वाला था, मुझे तो ये भी नहीं, वो उसमें से एक गोली सीधी यहाँ कर ली और ये बिल्कुल हार्ट के ऊपर उसको लगी और रो रही थी। मुफ्ती मोहम्मद जुबैर ने कहा कि ऐसे लोग मरफूल कलम होते हैं और ये खुदकशी के जुमरे में नहीं आता। उन्होंने मजीद क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। और ज़हनी तौर पर शदीद डिप्रेशन का वो स्टेज जो शरई एतबार से भी इंसान एक तरह से मुकल्लफ होने से, जिम्मेदार होने से निकल जाता है और वो फिर एक तरह से माजूर हो जाता है। और आपको पता है कि माजूर पर शरीयत का वो हुक्म भी लागू नहीं होता बल्कि वो तो इंतहाई हमदर्दी का मुस्तहिक होता है, इंतहाई दर्जे के इलाज का मुस्तहिक होता है और उसके बारे में इंतहाई उसमें नज़र रखना चाहिए। हमें अपनी जुबानों को भी कंट्रोल रखना चाहिए और हमें उनके लिए बख्शिश की मगफरत की दुआ भी करनी चाहिए। मौलाना तारिक जमील के करीबी साथी और दोस्त नईम भट्ट ने रात गए मैसेज टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानल्हय्यल्लज़ी ला यमूत, पाक ज़ात सिर्फ अल्लाह की है जो मौत से पाक है, बाकी हर किसी ने दुनिया से चले आना है। मौलाना तारिक जमील साहब दामन बरकातों के जवान बेटे का इंतकाल हो गया। किसी इंसान का जवान बेटा अगर मर जाए तो दुनिया में इससे बड़ा दुख और कोई नहीं होता। तो मेरी सब मेरे सुनने वालों से जानने वालों से दरख्वास्त है कि इसमें सिर्फ दुआ की ज़रूरत है कि अल्लाह मौलाना साहब के साहबजादे को बेहतर और आला मकाम जन्नत में अता फरमाए और मौलाना साहब को और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इस वक्त इस बात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो बच्चा खुद मर गया या किसी ने मार दिया या उसने खुदकुशी कर ली या उसे क्या हुआ, इस बहस पर मेरे ख्याल मुनासिब नहीं पढ़ना। वो बच्चा था, वो इंतकाल हो गया है, ये कितना बड़ा दुख दर्द की बात है बताते खुद ये। तो इस वक्त सिर्फ दुआ की ज़रूरत है, ना कि इस पर खोज लगाने की कि क्या हुआ कैसे हुआ। कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि बाहर से जैसे कि क्या हुआ, क्या मर गया यार दुनिया से, वो बच्चा चला गया, जवान बच्चा था चला गया है। इस पर सिर्फ दुआ करें और मौलाना के लिए दुआ करें कि मौलाना अल्लाह को सब्र जमील दे, घर वालों को सब्र दे, हमने भी मर जाना है। इस वक्त सिर्फ दुआ की ज़रूरत है। सबसे मेरे बहन भाइयों से गुजारिश है इसकी तहकीक में ना पड़ें। जज़ाकअल्लाह खैर।